बाल विकास परियोजना सगड़ा के गांव सीयू में मनाया गया पोषण पखवाड़ा। बीआरसी बाबूराम ने दी पेयजल की गुणवत्ता की जांच संबंधी जानकारी। वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए सगड़ा में हुए नौ चालान। बाल विकास परियोजना सगड़ा के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र सीयू में मंगलवार को पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिमा चौहान द्वारा मौजूद किशोरियों, महिलाओं व अन्य लोगों को पौष्टिक आहार, कुपोषण से बचाव तथा एनीमिया संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी किसान परिवारों के घर में ही मौजूद रहने वाले दूध, फल, सब्जियां व अन्य विभिन्न शाकाहारी व मांसाहारी खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और ऐसे में हमें केवल अपनी आहार श्रृंखला के प्रति सतर्क रहने की जरूरत रहती है। जल शक्ति विभाग के सांगड़ा ब्लॉक के बीआरसी बाबूराम कश्यप द्वारा मौजूद महिलाओं को वाटर टेस्टिंग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया और इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र को पानी की गुणवत्ता की जांच की किट भी उपलब्ध करवाई। उन्होंने घरेलू सतर्कता पर उबालकर व ब्लीचिंग पाउडर जैसे उपायों से पानी को साफ करने संबंधी नुस्खे भी मौजूद महिलाओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताए तथा पेयजल की गुणवत्ता सही न होने की सूरत में विभाग को सूचना देने को कहा। अब जो ये पोषण पखवाड़ा हम मना रहे हैं, हर डिपार्टमेंट को एक एक दिन का समय दिया हुआ है। तो आज हमारा आईपीएच का है, इसमें हम जल संरक्षण और जो जल का हमें किस प्रकार से संरक्षण करना है और वाटर क्वालिटी के जो परीक्षण की आपको दीजिए इसके बारे में बताएंगे कि स्वस्थ आपने सेंटर करना इतना पानी और ढक्कन लगाना इसके ऊपर और इसमें आपने लिखना नेम ऑफ सोर्स, बावड़ी आपकी कुआ है या कहीं से भी आपने लिया या आपने अपनी लाइन का पानी लिया, डेट और टाइम, क्योंकि डेट और टाइम इसलिए लिखना है कि इसका रिजल्ट 24 घंटे में आएगा। अगर पानी का रंग 24 घंटे में ऐसे ही रहा तो पानी में आपका बैक्टीरिया नहीं है और अगर ब्लैक हो गया तो पानी में आपका बैक्टीरिया, उसमें क्लोरिनेशन तुरंत इन्फॉर्मेशन आपने आईपीएच डिपार्टमेंट को देनी है। और अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है तो आप लोगों ने क्लोरिनेशन करनी है अपने पानी में, टैंकी में भी करनी, सोर्स आप स्पाई करनी और उसके बाद उस पानी को पीना। और अगर कोई इमरजेंसी है कि आपके पास कुछ भी साधन नहीं है और आप लोगों ने पानी तो पीना नहीं तो आप लोगों ने उस पानी को कम से कम 20 मिनट तक बॉयल करना 100 डिग्री टेम्परेचर पे और उसके बाद आप लोगों ने वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए सगड़ा पुलिस ने किए 9 चालान। पिछले 3 दिनों में किए गए थे क्रमशः 11-11 चालान। एमवी एक्ट की वायलेशन के लिए मंगलवार को सगड़ा कस्बे में पुलिस द्वारा कुल 9 चालान किए गए। पुलिस द्वारा हर रोज चालान किए जाने के बावजूद कई दुपहिया व अन्य वाहन चालक बार बार एमवी एक्ट की वायलेशन करते भी नजर आते हैं और वाहन अधिनियम और रोड सेफ्टी के प्रति सेल्फ डिसिप्लिन नहीं दिखते। गौरतलब है कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र रहा यह हल्का अब तक एनएच व राज्य उच्च मार्ग से नहीं जुड़ पाया है और यहाँ की तंग सड़कों पर वाहन हादसों का ज्यादा अंदेशा रहता है, जिसके चलते यहाँ रोड सेफ्टी के प्रति ज्यादा सतर्कता की जरूरत रहती है। डीएसपी सगड़ा शक्ति सिंह व ट्रैफिक इंचार्ज खुशहाल चंद के अनुसार पुलिस द्वारा चालान के साथ साथ समय समय पर चालकों को वाहन अधिनियम तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाता है।